हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग फिजिक्स के बेसिक लेक्चर को देखेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, यानी कि वैसा क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो, जिसको कि हम लोग मेजर कर सकें, वैसा क्वांटिटी क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब देखते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो इट कैन बी, लिख लेते हैं हम लोग, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास लिखना है, जैसे कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई बॉल लेते हैं, उसका मास है कितना? 5 kg। तो हम कैसे लिखते हैं? 5 kg, ये मेरा क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मेरा हो गया केजी, क्या है? मास का यूनिट है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मास मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मास, टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम, और स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, स्पीड। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। सबसे फर्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वन है वेक्टर क्वांटिटी, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है। वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास की केवल मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके पास उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। द फिजिकल क्वांटिटी Which has only magnitude is known as scalar quantity. इसमें हमारा वैसा सारा क्वांटिटी हो जाएगा जिसके पास की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम, टाइम का कोई फिक्स डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। और मास, मास का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्टेंस का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मास, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, सारे फिजिकल क्वांटिटीज के पास मेरा मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ magnitude as well as direction, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और ये एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। और एग्जांपल के लिए हम क्या ले सकते हैं? वेलोसिटी ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में हम लोग देखते हैं फोर्स।
अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर जब दोनों क्वांटिटी मिक्स होते हैं तो रिजल्ट मेरा कौन सा क्वांटिटी होता है, तो रिजल्ट मेरा होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास मेरा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी मेरा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस दोनों का प्रोडक्ट जब भी स्केलर और वेक्टर आपस में मिलेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि मोमेंटम मेरा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह फोर्स भी मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरा रिजल्टेंट जो है फोर्स वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल लेके समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम लोग लेते हैं अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कार्टून तो सभी लोग देखते होंगे। फॉर एग्जांपल ये है मेरा, कौन है ये, पहेली है, ठीक है। इसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। ये जा रही है कैसे, घूमते फिरते, कि आराम से कहीं पर बगल में बगीचा है तो बगीचा में घूमते फिरते जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो लेंथ कवर किया गया इसके द्वारा, इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और इसका कोई फिक्स डायरेक्शन है कि आपको दिख रहा है यहां फिगर में अच्छे से कि वो आराम से घूमते फिरते जा रही है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो ये कैसा क्वांटिटी है, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। अब ठीक इसके अपोजिट हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि इसको ए टू बी जल्दी जाना है, तो ये क्या कर रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ चूज कर रही है, और ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा, बस एक ही, यही एक डायरेक्शन है जिससे कि ए टू बी सबसे कम दूरी तय करके जाया जा सकता है। तो यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसका डायरेक्शन मेरा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और डायरेक्शन फिक्स होगा तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी से एग्जांपल को रिलेट करते हैं। पहली को रहने देते हैं, अब हमको देखना है कि पहेली क्या कर रही है, अपने घर से, ये उसका घर है छोटा सा, घर से ये घूमने के लिए निकली है, ठीक है। तो घूमने के लिए फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये घूम रही है, टहल रही है, ऐसे ऐसे किधर भी घूम रही है, ठीक है। तो यहां पर स्पीड तो मेरा है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, वो ऐसे अपने मन से जिधर मन तिधर जा रही है, तो यहां पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यानी कि ये स्पीड जो है मेरा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और सेकंड एग्जांपल हम लोग देते हैं कि फॉर एग्जांपल पहली को कोई सामान लाने जाना है मार्केट, और मार्केट किस डायरेक्शन में है, मार्केट है आपका वेस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो पहली को मार्केट जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। यहां पर डायरेक्शन फिक्स हो गया, इसलिए ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड नहीं है, ये क्या है मेरा, वेलोसिटी है, और यहां डायरेक्शन फिक्स हो गया, इसलिए वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद है आप लोगों को स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।